भाई कोई बात नहीं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अगर मुझे बच्चा मानते हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, यही बहुत। को समाप्त करना है, परिवारवाद वाली जो पार्टी है उसे खत्म करना है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पार्टियां और नेता सिर्फ और सिर्फ जनता बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का एक हिस्सा रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर अंतोगत्वा मुझे लगता है कि तमाम बातें जनता के हाथ में है, जनता किस राजनीतिक दल को देखना चाहती है। भाई मेरी पार्टी को समाप्त करने का तो पूरा प्रयास किया, पूरा षड्यंत्र मौजूदा मुख्यमंत्री के द्वारा रच ही दिया गया था। मेरी पार्टी के 6 में से 5 सांसदों को तोड़ लिया गया, क्या हुआ, समाप्त हो गई। आज भी जिस तरीके से जनता का प्यार मेरे कार्यक्रमों में आप देख लीजिए, जिस तरीके से मुझे मिलता है, अंतोगत्वा मैं मानता हूँ जनता ही आपको बनाने वाली है, जनता ही आपको समाप्त करने वाली होती है। ऐसे में उनकी पार्टी की एक आइडियोलॉजी ज़रूर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, उनकी वो सोच हो सकती है, पर अंतोगत्वा मेरा विश्वास जनता पर। बिहार सरकार के मंत्री है श्रवण कुमार, उन्होंने आपको बच्चा बताया, राजनीतिक बच्चा बता दिया, और आपके क्षेत्र में इन दिनों लगातार वो जा रहे हैं। भाई कोई बात नहीं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अगर मुझे बच्चा मानते हैं तो उनका आशीर्वाद मुझे मिल जाए, यही बहुत है। वो कह रहे थे तेजस्वी से आपको सीखने की जरूरत है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम बार बार हम इस बात को कहते हैं कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसे में पत्रकारों पे किया गया कोई भी हमला ये लोकतंत्र पे ही किया गया हमला है। इस तरीके से गाली गलौज करना, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ये दर्शाता है उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, जो पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके के बर्ताव की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं खुद स्वयं घोर निंदा मैं करता हूँ, और भविष्य में नेताओं को इस तरीके के बर्ताव से बचना चाहिए। जदयू के विधायक है गोपाल मंडल, उन्होंने कल मीडिया के साथ अल्पसंख्यक को लेकर भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई है। उस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में थे जिस दिन ये जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए, और हमने उस दिन भी इस एतराज को हमने दर्ज कराया था। पहली बात तो भैया, ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता, किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। आप अधिकांश लोगों से पूछ लीजिए रहा चलते हुए, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सर्वे कीजिए, मीडिया के साथ ही जाएं, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा गया था। भाई हम लोग भी राजनीतिक दल के हम लोग हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया हम लोग यहाँ कोई नहीं आया पूछने। तो ऐसे में ये जनगणना हुई कैसे? जिस वक्त इस जनगणना के प्रोसेस को तैयार किया जा रहा था, उस वक्त भी हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। और उस सर्वदलीय बैठक में हर पार्टी का राय मशवरा लिया जाना चाहिए कि इस जनगणना को कैसे किया जाए, ताकि सही आंकड़े सरकार के पास आए। और उसके बाद आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं, ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि भैया एक जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। और बाकी तमाम जाति को, और मैं अलग अलग जमात में आने वाली जातियों की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी छोटी जातियाँ उनको कम करके दिखाया गया है, पिछड़ा वर्ग में जितनी छोटी जातियां हैं उनको कम करके दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात भैया कि विश्वास ही सरकार पे कैसे हो, जब इस प्रोसेस को ही आपने सार्वजनिक नहीं किया, पारदर्शिता जिस प्रोसेस में बरती ही नहीं गई, तो ऐसे में भैया बंद कमरे में बैठ के आपको जो आंकड़े दिखाने आप दर्ता बता दीजिए, उसमें कोई आपको क्या बोलेगा, पर ये सही आंकड़े तो कम से कम नहीं है, इतना मैं विश्वास से कहता हूं। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।